नमस्ते। आज मैं आंवला कैंडी बनाने जा रही हूँ, तो बनाने से पहले आप रेसिपी देख लीजिए। यह आधा किलो आंवला ली हूँ, कच्चा आंवला है, एक नींबू, थोड़ा सा सेंधा नमक, काला नमक, कॉर्नफ्लावर, देसी घी और ये चीनी है। तो अब इसे हम जा रहे हैं इसे थोड़ा सा बॉईल करेंगे। ये देखिए मैं पानी पहले से रख दी थी उबलने के लिए, अब इसमें मैं सब आंवला डाल दूँगी। ये देखिए मेरा आंवला हो चुका है, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये देखिए मैं इसको ठंडा कर ली हूँ और इसको देखिए पीसेस में इसको अलग कर दी हूँ, बीज को यहाँ अलग रखती हूँ। अब इसे मैं ग्रेवी तैयार करूँगी मिक्सर जार में डाल के। ये देखिए इसमें डाल दी हूँ, अब चल रही हूँ इसको ग्रेवी तैयार करने। ये देखिए ग्रेवी तैयार हो चुका है, अब मैं इसे कढ़ाई में डालूंगी। कढ़ाई मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, अब इसमें मैं इसको सब डाल दूंगी। ये देखिए इसे चलाते रहना है, इसका जब तक पानी सूख न जाए तब तक इसमें और कुछ उसके पहले हम कुछ भी नहीं डालेंगे। ये देखिए इसका पानी जल चुका है, अब इसमें हम डालेंगे नींबू, नींबू, चीनी, नमक, सेंधा नमक और काला नमक दोनों डाल दे रही हूँ। ये देखिए कॉर्नफ्लावर में पानी थोड़ा सा मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसको इसमें डाल देंगे। इसको हम इसमें डाल देंगे, घी डाल देंगे, अब इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए अभी हुआ नहीं है, थोड़ा सा भी पकना बाकी है, तो इसे हम देखेंगे कैसे। ये देखिए मैं पहले से निकाल के रख दी थी, ये देखिए इसको करेंगे गोला, तो मेरा भी गोला नहीं हुआ है, तो इसे अभी हम और भी पकाएंगे। ये देखिए हो चुका है, अब ये देख रहे हैं मेरा गोला भी बन रहा है, तो ये पक चुका है। अब ये देखिए मैं पहले से एक प्लेट में घी लगा के रख दी हूँ, अब इस प्लेट में मैं इसको निकालूंगी। ये देखिए इसमें निकाल के इसको फैला दूंगी, फिर उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ये देखिए अब मैं इसे आधे घंटे के लिए इसको ठंडा होने के लिए मैं रख दे रही हूँ, फिर इसको निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मेरा आंवला कैंडी बन के तैयार हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट हमें ज़रूर दें। धन्यवाद।